जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रमाणिक संत महामनामुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। जीवन पुण्य और पाप से बंधा हुआ है। कल पुण्य के संदर्भ में हमने कुछ बातें की, आज थोड़ी सी बातें पाप के संदर्भ में करना चाह रहा हूँ। पाप को कोई पसंद नहीं करता, करता है क्या? नहीं करता, लेकिन पाप करने में कोई नहीं चूकता। यह बड़ी विचित्रता है। सबसे पहले जब हम पुण्य और पाप की बात करते हैं तो पाप कहते किसे हैं, ये हमें जान लेना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पुण्य और पाप को समझता ना हो, फिर भी आज आपके अनुभव से पाप की कुछ परिभाषाओं को मैं गढ़ना चाहता हूँ। आपकी नज़र में पाप क्या है? किसको बोलते हैं पाप? बुरे कार्य को पाप कहते हैं ना। जब कोई बुरा कार्य हम करते हैं तो कहते हैं पाप कार्य है, ये पाप की क्रिया है, ये मत करो। पाप की क्रिया, बुरा कर्म का नाम पाप की क्रिया है, लेकिन पाप क्या है? ये तो बहुत हाइट पे चले गए। पाप क्या है? किसको बोलते हैं पाप? जो हमें पतित करे वो पाप। क्या कहा? जो हमें पतित करे, जो हमें नीचे गिराए, जिससे हमारा डाउनफॉल हो, वो पाप है। बाहर भी और भीतर भी। जब जब पापोदय होता है तो हमारे तन पर, हमारे मन पर और हमारे जीवन की अन्य व्यवस्थाओं पर उसका प्रतिकूल असर पड़ता है, जो हमें नीचे गिराते हैं, होता है। जिसे हम दूसरे शब्दों में कहूं कि सारे प्रतिकूल संयोग पाप के कारण मिलते हैं, होते हैं। जब भी जीवन में विसंगतियाँ आती है, विपत्तियाँ आती है, विषमता आती है या अन्य किसी प्रकार का वियोग आदि होता है, हम क्या समझते हैं? पाप का उदय आ गया है ना। तो पाप आ गया, क्या आ गया? तो पाप क्या है? जो संताप दे वो पाप, जो पतित करे वो पाप, जो हमारा बुरा करे वो पाप, जो नीचे गिराए वो पाप। परिचय हो गया। बाहर ये, भीतर जिससे हमारा व्यक्तित्व गिर जाए, जिससे हमारा आचरण मलिन हो जाए, जिससे हमारी चेतना कलंकित या कलुषित हो जाए, वह सब क्या है? पाप। इसका फल प्रत्यक्ष में संताप और भविष्य में दुख दारिद्र। ये पाप हर मनुष्य के साथ जुड़ा है। आज चार बातें हमें समझना है। पहला, पाप बांधना। दूसरा, पाप करना। तीसरा, पाप बांधना, पाप काटना। पाप बांधना, पाप काटना, पाप त्यागना और पाप भोगना। बांधना, काटना, त्यागना, भोगना, चार क्रियाएं। पाप का बंध कब होता है? जब हम बुरी क्रिया करते, बुरे कर्म करते, पाप बंधता है, बंधता है ना।
कभी आभास होता है जब हम कोई दुष्कर्म कर रहे हैं उस घड़ी की, ये मैं पाप की क्रिया कर रहा हूं, इससे पाप बंध रहा है? कभी ऐसा आभास हुआ? 24 घंटे मनुष्य न जाने कितने प्रकार की क्रियाएं करता रहता है, लेकिन जिस घड़ी वो पाप की क्रिया करता है उस घड़ी उसे ऐसा लगता है कि मैंने पाप बांधा। अपने अनुभव से बताना, मैं पाप का बंधन कर रहा हूं, मेरी एक क्रिया है, ये क्रिया मेरी भावी दुर्गति का कारण है, ये मेरे जीवन के पतन का कारण है, इसके कारण मुझे संताप मिलने वाला है। फील होता है? बोलो, होता है? बहुत कम लोगों को, लेकिन जिनको होता है समझ लेना उनके लक्षण बहुत अच्छे हैं। पाप बांधते समय यदि बंधन का एहसास होने लगे तो पाप करने में हाथ कांपने लगेगा। बहुत कम लोगों को होता है। सच्चाई यह है कि हमारी प्रवृत्ति के अनुरूप कर्म 24 घंटे बंधते हैं, वो पाप रूप भी बनते हैं, पुण्य रूप भी बनते हैं। शुभ प्रवृत्तियों से पुण्य बंधता है और अशुभ प्रवृत्तियों से पाप बनता है। हम अपनी प्रवृत्तियों की पड़ताल करें, 24 घंटे में शुभ प्रवृत्तियां कितनी होती है और अशुभ प्रवृत्तियां कितनी होती है? बोलो महाराज, ज्यादातर अशुभ ही होती है। और शुभ क्या कहूं, अशुभ की शुभ करते करते भी अशुभ प्रवृत्ति हो जाती है। पाप का बंधन है जिसका अनुभव बहुत कम लोग करते हैं। पाप काटने का अनुभव तो आप फिर भी कर लेते हो, पाप बांधने का अनुभव बहुत कम लोगों को होता है। पाप काटने का अनुभव, अरे महाराज आप लोगों ने बोला है अगर पाप हो जाए भगवान की पूजा कर लो पाप कट जाएगा, कुछ दान धर्म कर लो पाप कट जाएगा, कुछ त्याग तपस्या कर लो पाप कट जाएगा, कोई अच्छा काम कर लो पाप कट जाएगा। और जब भी आप ऐसा करते हो मन में भाव आता है कि नहीं कि आज मेरे पाप कटे? बोलो, आता है? अच्छा कर्म करने के बाद मन में आता है मेरा पाप कटा। अब कितना कटा है तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन मन में ऐसा भाव आता है कि मेरा पाप कटा। बांधते समय मनुष्य बेभान होता है और काटते समय फिर भी थोड़ा विश्वास रहता है कटा, और इसी विश्वास का दुष्परिणाम यह है कि व्यक्ति बंधन के डर से डरता नहीं है। उसको तो जैसे कई लोग होते ना, एक बार एक जेल में मैं था, जेल में प्रवचन करने के लिए गया था, था तो जेल में ही ना, तो जेल में प्रवचन करने के लिए गया। बड़े बड़े सेंट्रल जेलों में भी मैंने प्रवचन किया, लेकिन ललितपुर के जेल की बात है, वो सेंट्रल जेल नहीं था, वहाँ प्रवचन करने के लिए गया। 300-400 अपराधी थे, कैदी कम अपराधी ज़्यादा, और विचाराधीन कैदी थे। जब मैं प्रवचन कर रहा था तो लोगों के हाव भाव से लगा नहीं कि यहाँ मेरे प्रवचन की आवश्यकता है। 10% ही मनोयोग से प्रवचन सुन रहे थे और उन पर कुछ असर पड़ रहा था, बाकी लोग तो सब अपना टाइम पास कर रहे थे बिठाल दिया सो। वहाँ के जेलर थे कि यादव साहब, वो जैन धर्म के बड़े अनुरागी थे और जुड़े थे, वही आग्रह करके मुझे ले गए थे। मैंने पूछा यादव साहब कहाँ ले आए? बोले महाराज ये सब पेशेवर अपराधी हैं, ये कैजुअल लीव पर आए। बोले इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको अपराध का डर नहीं है, इनको पता है कि ठीक है अभी अपराध करो बाद में छूट जाना है, अपराध करो छूट जाना है। तो जिसको इस बात का आभास होगा कि अपराध करने के बाद छूट जाएंगे वो अपराध करने से बचता नहीं है। ऐसे ही तुम लोगों के मन में एक बात बैठा, पाप करो काट लेंगे। क्या? पाप करो काट लेंगे। तो दिन भर में घर गृहस्थी और खटकरम करके तुम पाप बांधते हो और सवेरे भगवान के चरणों में आके पूजा भक्ति करते हो, सोचते हो पाप कट गया, मेरे को पाप काटने का लाइसेंस मिला हुआ
है ये बात। मन के किसी कोने में जब तक ये बात छिपी रहेगी तुम पाप से उपरत नहीं हो सकोगे। जीवन में पाप का भार दिनों दिन बढ़ रहा है, पाप बांधने की प्रक्रिया तुम्हारी चल रही है, यत किंचित पाप काटने की कोशिश भी तुम्हारी होती है जो बड़ी सतही होती है, लेकिन जब तक बंधन से डर नहीं तब तक काटने का कोई मतलब भी नहीं। मन से पूछो पाप के बंधन से डर है? बोलो। एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज पाप छूटता नहीं, क्या करे? बोले छूटेगा, जब तक पाप से डर नहीं होगा पाप नहीं छूट सकता। आप से यदि कोई व्यक्ति कोई क्राइम करने के लिए कह दे, कोई अपराध करने के लिए कह दे, तो करने के लिए उत्साहित होगे क्या? बोलो नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। क्यों? अभी अपराध करेंगे जेल में जाना होगा, दंड का भागी बनना पड़ेगा, मेरी प्रतिष्ठा की हानि होगी और मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, ये काम मैं नहीं कर सकता। क्यों? मुझे कानून का डर है ना? कानून के डर के कारण तुम अपराध से बचते हो। जिनको कानून का कोई डर नहीं, बहुत से लोग हैं जो कानून से खेलते हैं। क्यों होता है ना? जो कानून से खेलने वाले लोग हैं उनको, जिनको कानून का कोई डर नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको कानून का डर है, जो सभ्य नागरिक है, वो कभी भी कोई गैर कानूनी हरकत नहीं करता, उसे अपराध की श्रेणी में मानता है और उसी डर से वो अपराध से बचता है ना? तो कानून के डर से तुम अपराध से बचते हो, उसी तरह जिस दिन तुम कुदरत के कानून से डरने लगोगे पाप से बचोगे। बाहर के कानून के डर से तुम अपराध से बच जाते हो, पाप से भी बचो। अपराध से भी गहरा है पाप। अपराध तो वो है जो बाहर प्रकट हो जाता है। मीनाक्षी जी यहां बैठी है, शरीर से अपराध करोगे दंड बारक होगा तो आप उसको सजा दोगी, वचनों से कुछ बोल देगा उसकी भी आपके पास सजा की व्यवस्था है, पर मन से जो हम अपराध करते हैं उसकी आईपीसी में कोई सजा है? कोई धारा है? दुनिया के किसी कानून में नहीं है। लेकिन कुदरत का कानून हमें बताता है कि मन में भी तुमने कुछ दुष्कर्म किया है तो वह भी पाप है और उसकी सजा तुम्हें और तुम्हें भोगनी ही पड़ेगी। बात समझ में आ रही? अपराध तो पाप का प्रकट रूप है, उसका जन्म तो मन में होता है, फिर वचनों में आता है, फिर व्यवहार में आता है। डर होना चाहिए पाप से, और पाप का डर ही हमें पाप से बचा सकता है। बिना पाप से भीति हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। आचार्य गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही, पाप से भीति प्रभु से प्रीति, स्वयं की प्रतीति। क्या? पाप से भीति प्रभु से प्रीति, स्वयं की प्रतीति। पाप से भीति बिना प्रभु से प्रीति नहीं है, और प्रभु से प्रीति बिना स्वयं की प्रतीति नहीं है। तो पहला सूत्र है, पाप के बंधन से बचना है और सच्चे अर्थों में पाप को जड़मूल से उखाड़ना चाहते हो तो पाप से डरो। पाप का डर और पाप करने के बाद डर, डर तो होता है, जितने पापी होते बड़े डरपोक होते हैं, लेकिन वो पाप करके डरते हैं, फिर मुंह छिपाते फिरते हैं, फिर सोचते हैं कोई जुगाड़ लगे कैसे ही बच जाऊं, कोई पैरवी हो अच्छे वकील को पकड़ूं, कहीं से कोई सेटिंग बनाऊं, मैं पाप किया हूं इसका परिणाम मुझे न भुगतना पड़े। ऐसी मानसिकता वाले लोग बहुत हैं। कहते पाप करके डरने वालों का कोई उद्धार नहीं होता, और जो पाप से डरते हैं उनका कभी अकल्याण नहीं होता। पाप से डर होना चाहिए,
तो पाप भोगना नहीं पड़ेगा। चार बातें मैंने की थी, पाप बांधना, पाप काटना, तीसरा है पाप भोगना। 24 घंटे पाप भोगते हैं, कोई भोगना चाहता है? बोलो। पुण्य को भोगना सब चाहते हैं, पाप को भोगना कोई नहीं चाहता। पुण्य करना कोई नहीं चाहते और पाप करना हर कोई चाहता है। कितना अंतर है। तुम पुण्य को भोगना चाहोगे और पुण्य करना नहीं चाहते, पाप को भोगना नहीं चाहते और पाप करने में पीछे नहीं रहते, है ना? तो पाप हर किसी को भोगना पड़ता है। किसको भोगना पड़ता है? जिसने पाप बांधा उसे पाप भोगना है। तुम कितना भी सोचो, ना भुक्तम छीयते कर्म, बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होते। यदि बांधा है तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। और मनुष्य भोगता है, अनादि से भोगता है, आज भी भुगत रहे हैं। जीवन में जितने भी प्रतिकूल संयोग तुम्हारे साथ जुड़े हैं, समझना ये पाप के भोग का ही प्रतीक है। भोग रहे हैं, अब रो तो, हंसो तो, कुछ भी करो, पाप के बीज बोओगे तो फल तो भोगना ही पड़ेगा। चाहते हो कि मुझे पाप ना भुगतना पड़े? बोलो, कौन कौन चाहते हैं? हाँ, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं पाप मुझे ना भोगना पड़े। अगर ऐसा चाहते हो तो पहला काम, पाप की फैक्ट्री बंद करो। क्या करो? पाप की फैक्ट्री बंद करो। फैक्ट्री चालू हो, प्रोडक्शन चालू हो तो भोगना पड़ेगा। बीज बोते रहोगे तो फसल काटनी पड़ेगी। और वो कब होगा? जब तुम्हारे हृदय में पाप का डर होगा। अंदर डर होना चाहिए। कर्म पर भरोसा रखो। हर किसी को अपने द्वारा किए कृतकर्म को भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य बाद में कितना भी आज जो मिन्नत करे पछताए, लेकिन वहां तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लोक में, कानून में तो ऐसी व्यवस्था है कि कितना अपराध कर ले और साक्ष्य ना मिले तो जज को छोड़ना पड़ता है। छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? छोड़ते हैं। साक्ष्य के अभाव में छोड़ना पड़ता है, यहाँ चलता है। 1999 की बात है, हमारा भोजपुर चातुर्मास हो रहा था। उन दिनों अखबार पढ़ता था मैं, दैनिक भास्कर के संपादकीय में एक संपादकीय लिखा था आह और वाह। उस दिन के मुख्य पृष्ठ का एक खबर था, अदालत परिसर में खूनी खेल खेलने वाले सभी बाइज्जत बरी। अदालत परिसर में खूनी खेल खेलने वाले सभी बाइज्जत बरी और दूसरी एक गर्भवती स्त्री के क्रूर हत्या के आरोप में 52 को आजीवन कारावास। मैंने फैसला पढ़ा, अखबार की पूरी सूचनाएं पढ़ी और मैं उसे पढ़ ही रहा था। टाइटल बहुत अच्छा दिया था, आह और वाह, कि उसी बीच बिमला जी मेरे पास आ गई, जिनने फैसला लिखा था। वो रायसन कोर्ट की जज थी, सेशन जज थी। वो फैसला लिखे, मतलब बिमला जी आपके नाम से फैसला चला, आपने 52 को आजीवन कारावास दिया। 52 को आजीवन कारावास। वो बोले, महाराज मैं क्या करूं, मैं तो जैन थी, नहीं तो इनको फांसी लगाते। इतना क्रूर अपराध किया है, 52 के 52 लोग, जिसमें कुछ साधु के भेष में भी थे। एक गर्भवती है स्त्री के साथ बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या की। महाराज जी, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, बाहरी भी और मेरे मन का दबाव भी मेरे ऊपर बहुत था। मैं क्या करूं, इस फैसले को लिखने के लिए मैं बहुत उथल पुथल मेरे मन में हो रहा था। फिर भी मैंने अपना मन कड़ा करके फैसला लिखा, क्योंकि सारे साक्ष्य बोल रहे थे। और मैंने फैसला किया कि अब 3 दिन की मैंने छुट्टी ली, महाराज 3 दिन आपके चरणों में हूँ, चौका लगाऊंगी और शांति से यहाँ रहूंगी, मैं इसीलिए आई हूँ, मन को शांत करने के लिए। और दूसरा फैसला था, जो 2 गिरोहों में आपस में लड़ाई हुई थी, गैंगवार हुआ था,
और दोनों के लिए कोई विटनेस नहीं था, तो अब क्या करेंगे जज? साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ना पड़ा। तो टाइटल शीर्षक था आह और वाह। ये तुम्हारे कानून की व्यवस्था है, जहाँ निर्दोष फंस जाए और अपराधी मुक्त हो जाए, कई बार ऐसा होता है। इसलिए कानून को अंधा कानून की संज्ञा दी जाती है, वो तथ्य के जगह साक्ष्य पर ज़्यादा विश्वास रखता है। कानून की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर मैं इतना, क्योंकि हमारा कानून कहता है 1000 अपराधी बच जाए पर एक निरपराधी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये बाहर के कानून में ऐसा हो सकता है, पर कुदरत के कानून में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुमने किया है तो तुम भोगोगे, और तुम नहीं किए तो तुम्हें भोगने की कोई नौबत नहीं आएगी। हाँ, पर यह हो सकता है कि तुम्हारा आज का कृत्य 100 भव बाद मिले और अतीत के 100 भव पुराना कृत आज आ जाए, ये तो ऊपर नीचे फाइल हो सकती है, लेकिन जो किए हो भोगना पड़ेगा। आज तुम जो भुगत रहे हो अपने किए का भुगत रहे हो, और आगे जो भोगोगे वो अपने किए का भोगोगे, और तुम ही क्या, संसार का हर प्राणी अपने किए को ही भोगता है। इस पर विश्वास रखो, पक्का विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास रखो। जिस दिन तुम्हारे हृदय में यह विश्वास जाग जाएगा, तुम्हारी करनी सुधर जाएगी, पाप से डर हो जाएगा। कृत कर्म को भोगना ही पड़ता है। सम्राट सैनिक भगवान महावीर का प्रमुख श्रोता था, 60,000 प्रश्न करने का सौभाग्य से मिला, अनन्य भक्त। लेकिन भगवान महावीर की शरण में आने के पूर्व उसने एक बड़ा पाप कर लिया था, एक मुनिराज पर उपसर्ग किया, उसके परिणाम स्वरूप उसने 7वें नरक का बंध कर लिया, पाप बांध लिया। बाद में उसमें सुधार हुआ, भगवान की शरण में आकर उसने अपने उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया, छाईक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, और भावी तीर्थंकर होगा, अगली 24 का पहला तीर्थंकर भी वही बनेगा। लेकिन एक दिन भगवान की देशना में उसे मालूम पड़ा कि उसे नरक जाना है। वो घबरा गया, बोले प्रभु इतनी तो कृपा करो, मुझे नरक से बचा लो, अब मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ, आप चाहे जो कहो मुझे नरक से बचा लो। भगवान ने उन्हें संबोधा, पर सैनिक को समझ में नहीं आया। तो एक कहानी है, ये श्वेतांबर परंपरा में आती है, लेकिन बड़ी मार्मिक है। कहते हैं भगवान ने कहा, बहुत तरह से समझाया, सैनिक समझा नहीं, तो गुरुओं को कई बार ऐसा करना पड़ता है, सीधे सीधे नहीं समझे तो दूसरे तरीके से समझाने का रास्ता अपनाना पड़ता है। आप लोग भी जो सीधे नहीं समझाता, आप लोग दूसरे तरीके से समझाते हो, पर आपके समझाने का तरीका उल्टा होता है, हम लोगों का दूसरा तरीका भी सीधा होता है, समझ गए ना? आप जैसे दूसरे तरीके से समझाते हो, नहीं तो कह दो महाराज ने भी कह दिया दूसरे तरीके से समझा दो, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने कहा, एक काम कर, ठीक है तू नरक जाने से बचना चाहता है, मैं तुझे नरक से बचने का उपाय बता दूंगा, बचा लूँगा। एक काम कर, मैं तुझे 3 उपाय बताता हूँ, 3 में से कोई एक कर दे, 3 में से कोई एक उपाय कर दे, मैं तुझे नरक से बचा लूँगा। ठीक है बताओ प्रभु। एक काम कर, तेरी दादी आज तक मेरे दर्शन के लिए नहीं आई, एक बार उसे ले आ। तेरी दादी ने आज तक मेरे दर्शन नहीं किए, एक बार ले आ। और यदि ये नहीं कर सके तो देवदत्त श्रेष्ठी की दासी है देवदत्ता, उसने आज तक कभी दान नहीं दिया, उसके हाथ से दान दिला दे। और ये भी नहीं कर सकता तो मगध में काल सौकरिक नाम का कसाय रहता है, 500 भैंसों का रोज वध करता है। काल सौकरिक नाम का कसाय है जिसका रोज का धंधा है 500 भैंसों का वध करना, तो उसका एक दिन का वध रोक दे, नरक जाने से बच जाएगा। श्रेणिक ने सोचा ये तीनों तो बड़े सरल उपाय हैं,
मैं मगधाधिपति सम्राट सैनिक इंद्र का वैभव भी जिसके राज महलों में लुंठित होता है, जिसके प्रताप और पराक्रम की गाथा दिग्दिगंत तक फैलती है, गूंजती है, उस श्रेणी के लिए ये तीनों काम तो अति साधारण काम है। क्या प्रभु आपने तो कृतार्थ कर दिया, मैं तीनों कर लूंगा चुटकियों में। कैसे गया? सबसे पहले अपनी दादी से कहा, दादी चल आज एक बार भगवान के दर्शन कर ले। मैं नहीं जाती। अरे तू अपने लिए नहीं मत जा, मेरे लिए चल जा, मैं नरक से बच जाऊंगा। तुझे नरक जाना है चाहे कहीं जाना है, मैं वहां जाने वाली नहीं हूं। साफ साफ इनकार कर दिया। सैनिक ने दिमाग लगाया, वन विहार के नाम पर उसे रथ पर बिठाया। चलो वन विहार के लिए चलते हैं। रथ पर विहार करने के उद्देश्य से वो वन विहार के उद्देश्य से रथ पर सवार होकर निकला और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही समोसरण की ओर रथ मोड़ा, उसकी दादी को समझ में आ गया। उसने बोला, कहाँ ले जा रहे हो? बोले, बस चलो थोड़े आगे चलना। समझ गई, तुम मुझे महावीर के पास ले जा रहे हो, मैं नहीं जाऊंगी, रथ मोड़ो। सैनिक ने मोड़ने से इनकार किया, रथ की गति तेज की, तो उसने क्या किया, वहीं पर एक तकवा पड़ा हुआ था, उस तकवे से अपनी दोनों आंखें फोड़ दी। भगवान के दर्शन करने नहीं गई। सैनिक बहुत आहत हुआ। अब हताश होकर वह देवदत्त सेठ से कहा कि तुम्हारी दासी देवदत्ता ने आज तक कोई दान नहीं दिया, तुम्हें उससे दान कराना है। जब दासी से कहा गया, बोला मेरी दान में कोई रुचि नहीं, मैं दान कर ही नहीं सकती। सेठ ने उस पर दबाव दिया कि तुम पर नहीं तो कैद में डाल दिया जाएगा, तुम्हें दान देना ही पड़ेगा। उसे बाध्य किया गया। एक भिक्षुक उसके दरवाजे पर आया और देवदत्ता से कहा, दान दो। देवदत्ता ने दान देते समय कहा, मेरा ये दान नहीं है, सेठ मुझसे दिला रहा, हाथ मेरा है, दान सेठ का है। खेल खत्म। अब काल सौखरिक को अपने दरबार में बुलाया। काल सौखरिक से कहा, तू जो लेना है ले ले, जो मांगना है मांग ले, एक दिन का धंधा बंद कर दे। बोला, ये नहीं हो सकता, ये हमारा पुस्तैनी धंधा है, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे पेट का भोजन नहीं पचेगा, मैं करूंगा। सैनिक ने बहुत समझाया, प्रलोभन दिया, दबाव दिया, राजा था, सब कुछ कर सकता था, नहीं किया, नहीं माना, तो सैनिक ने उसको उठवा करके जेल में डाल दिया। बोले, एक दिन के लिए जेल में डाल दो, जब भैंसे नहीं मरेंगे रहेंगे तो मारेगा किसको। उसको जेल में रख दिया। लेकिन जिसकी जो प्रवृत्ति होती छूटती नहीं है, उसने क्या किया, जब जेल में उसे रख दिया तो उसने अपने शरीर के मैल की बत्तियों से भैंस की आकृति बनाई और 500 बार उन आकृतियों को मार डाला। 500 भैंसों का वध उसने कर ही दिया। सैनिक को बात समझ में आ गई, भगवान की शरण में गया। बोलो, प्रभु अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मैं समझ गया, ना भुक्तम छीयते कर्म, मैंने पाप किया तो उसका फल भोगने के लिए मुझे नरक जाना ही पड़ेगा, और मैं जाऊंगा। हालांकि उसके शुभ परिणाम का ये प्रताप हुआ कि वो सातवें नरक की जगह पहले नरक में आके सिमट गया, 33 सागर की आयु की जगह 84,000 वर्ष के लिए गया, पर जाना तो पड़ा, नरक को स्वर्ग में नहीं बदल सका। तो सैनिक जैसे महाप्रतापी धर्मात्मा के साथ ये हाल है तो तुम किस खेत की मूली हो, सोचो। सब बेखौफ होकर के पाप करते हैं, अरे चलो सब चलता है। कुछ लोग तो कहते हैं हम काट लेंगे, जन्म बीत जाते हैं पाप काटने में। अबुद्धिपूर्वक किए जाने वाले पाप को काटना फिर भी सहज है, पर बुद्धिपूर्वक किए जाने वाले पाप को काटना महादुष्कर है। तो ऐसा पाप करो ही क्यों जो पाप काटना पड़े, ऐसा बीज बोयो को बो ही क्यों कि फिर उसे काटनी पड़े। और कुछ फसल तो ऐसी होती काटने के बाद फिर लग जाती, गाजर घास को देखो, गाजर घास
उगती है तो पूरे की तरह फैल जाती है, उसे कितना भी काटो उखाड़ो फिर उग जाती, होता है ना। तो पाप गाजर घास की भांति है, उसे काटने से साफ नहीं होते, उसको पूरी तरह साफ करने के लिए उसको उखाड़ कर जड़ में मट्ठा डालना पड़ता है। तो ऐसा काम ही ना करो कि पाप काटना पड़े, और जब काम ही नहीं करोगे पाप काटने की बांधोगे ही नहीं तो ना काटना पड़ेगा ना भोगना पड़ेगा। तो पाप बांधने से बचो। तो पाप बांधने से बचने का मतलब क्या है? पाप करने से बचो, पाप की क्रिया से बचोगे तो पाप के बंध से बचोगे। पाप का बंध नहीं हुआ तो पाप काटने की जरूरत नहीं, पाप भोगने की जरूरत नहीं। और सबसे महत्व की बात, पाप त्यागना सीखो। क्या करो? पापों का बुद्धिपूर्वक त्याग करोगे तो पाप की क्रिया से बचोगे। अपने अंदर देखो, मेरी प्रवृत्ति में कौन कौन से पाप जुड़े हैं, उन पापों का मैं कैसे कैसे त्याग कर सकता हूं, उन्हें देखो, और जो पाप जुड़े हैं उन्हें त्यागो। एक एक करके त्यागते जाओ, जितना जितना पाप को त्यागोगे तुम्हारे जीवन में उतनी उतनी ऊंचाई प्रकट होगी। बुद्धि पूर्वक पाप त्यागना सीखिए, धर्म तो यही कहता है। मैं आप सबसे कहता हूं, पाप काटने के लिए धर्म सब कोई करता है, सच्चा धर्मी वो है जो पाप त्यागने के लिए धर्म करता है। मैं पाप को त्यागूं, प्रतिज्ञा पूर्वक त्यागूं, संकल्प पूर्वक त्यागूं, अपनी बुराइयों को छोड़ूं, ये मनोभाव होना चाहिए। आता है मन पापों को छोड़ने का? अरे महाराज, पाप करने में ही तो मजा आता है, ठीक है, पाप करने में मजा आता है, भोगने में? पाप करने में मजा है पर भोगने में जो उसकी सजा है वो देखो क्या है। मूढ़ जन पाप करते समय नहीं सोचते, पर जब उसका परिणाम पककर सामने आता है तो केवल आंसू बहाते हैं। आज तुम्हारे पास सारी अनुकूलताएं हैं, ये पुण्य के परिणाम स्वरूप है, लेकिन ऐसी अनुकूलताओं में तुम पाप करोगे तो कल पाप भोगना पड़ेगा कि नहीं, बोलो? हाँ, भोगना पड़ेगा। तो जब तुम चाहते हो कि मैं पाप भोगने से बचूं तो पाप करना बंद करो। और पाप करना बंद करने का उपाय क्या? बुद्धिपूर्वक पापों का परित्याग करना शुरू करो। छूटता है? सोचो अपनी भूमिका अनुरूप। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह मूल पांच पाप हैं। आप इनका त्याग कर सकते हो? महाराज, प्रवृत्ति में तो कर लेते हैं, मन से कितनी हिंसा कर बैठते हैं, वचनों से कितनी हिंसा कर बैठते हैं। यहां अपने आप को बचाइए, प्रतिज्ञा पूर्वक करो, एक स्थूल रूप से अपने जीवन में कम से कम अनावश्यक हिंसा का तो त्याग करो। पाप को जितना बन सके कम करो और पुण्य को जितना बन सके उतना करो। जीवन का कोई भरोसा नहीं। ज्यादातर लोगों की एक अलग प्रकार की धारणा होती है, अपने जीवन के शुरुआती दौर में वे अलग तरीके से जीते हैं, उनके जीने का रुतबा ही कुछ और होता है, और ये सोचते हैं ठीक है अपने जी लो, और 40-45 पार करते हैं तब थोड़ी होश आती है, फिर सोचते हैं अब थोड़ा पुण्य कर लूँ, फिर थोड़ा धर्म कर लूँ, और फिर उसमें सोचते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते जब तक करने का भाव होता है तो करने लायक ही नहीं बचते, होता है। 100 बीमारियां आके जकड़ लेती है, शरीर सत्यहीन हो जाता है। नहीं,
अभी से अपनी तैयारी कीजिए और भूमकाल रूप जितना बन सके पापों को त्यागिए। अंदर से डर होना चाहिए, अनुव्रती बनो। वो अनुव्रती बनने का मतलब छोटे रूप में ही सही पाप को त्यागो, अपने शारीरिक वाचिक और मानसिक प्रवृत्तियों में पाप को हावी मत होने दो। आज पाप त्याग का सबसे छोटा रूप आप सबको बता रहा हूं। आप लोग त्यागना चाहोगे, है ना? हिंसा का त्याग, संकल्पी हिंसा का त्याग, मद्य मांस और मधु का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग कीजिए। प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग कीजिए। आपके जीवन में अहिंसा अनुव्रत आ गया, एक स्थूल रूप में आ गया। तय कीजिए, मैं अपने मन से, अपने वचनों से और अपने शरीर से कभी किसी प्रकार की इस तरह की हिंसा नहीं करूंगा। आप अपने आप को बचा लोगे। झूठ बोलने की एक सीमा निश्चित कीजिए। मानता हूं सच तो पूरी तरह बोल ही नहीं सकते आप, झूठ बोलने की तो मास्टरी है, तो कुछ तो सीमा करो। कम से कम छोटे स्वार्थ के लिए तो झूठ मत बोलो। जहां सच से काम चलता वहां तो झूठ मत बोलो। बिना वजह क्यों पाप में रक्त हो रहे हो? चोरी जैसे कर्म से अपने आप को बचाओ, व्यभिचार जैसे दुष्कर्म से अपने आप को बचाओ, संतोष वृत्ति को अपने भीतर आत्मसात करने की कोशिश करो। ये पाप से बचने का मंत्र है। अनीति और अपराध से अपने आप को बचाओ। अगर इतनी भी शुरुआत हो जाती है तो समझना हमारे जीवन का ये मंगलाचरण हो गया। लोग सोचते हैं ठीक है कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, कब करोगे? कोई जिंदगी का भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब तक हमारे पास समय है, अवसर है, अनुकूलता है, इन क्रियाओं को करते रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो चार बातें आज मैंने की। पाप बांधना यानी पाप की क्रिया, पाप भोगन काटना, पाप भोगना और पाप त्यागना। पाप भोगने से बचना चाहते हो तो पाप को त्यागना शुरू करो। बंधुओं, जैसा अभी आप सबको बताया, आने वाले दिनों में 31, 1 और 2, ये तीन दिन भावना योग का एक कार्यक्रम यहाँ पर होगा, जिसकी लोगों की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी और लोगों की अनुकूलताओं को ध्यान में रखते हुए पहले नहीं किया जा सका, लेकिन ये सुयोग सिद्ध क्षेत्र में है। पर यहाँ 100 लोगों की ही व्यवस्था है। 100 से 150 लोग हैं तो उतने 50 तो यहाँ बने ही रहते हैं। 100 लोगों की व्यवस्था है। जो भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र अपने नाम दे दें। प्रमाणिक ऐप में भी संभवतः इसकी व्यवस्था होगी और यहाँ से भी आपकी व्यवस्था है। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, शीघ्रता से कराएं, कहीं ऐसा ना हो जैसा कि हर बार होता है, स्थान पूरे हो जाते हैं और आपको अवसर नहीं मिलता। यहाँ हम चाह रहे थे लेकिन यहाँ उतनी सुविधाएं आसपास नहीं है, गर्मी का मौसम है। यहाँ की कमेटी ने 100 लोगों की अति उत्तम व्यवस्था बनाई है ताकि आप लेकर उसका लाभ ले सके। पर मैं चाहूँगा इनमें भी वे लोग प्रमुखता से आए जो न केवल भावना योग में भागीदार बनना चाहते हैं अपितु उससे सीख कर इसे और लोगों तक फैलाना चाहते हैं, वो उनकी तरफ विशेष मेरा ध्यान रहेगा। आप आइए, सुबह से योग होगा, प्राणायाम होगा, उसके बाद भावना योग होगा, उसके अलावा शाम दोपहर में उन सब लोगों के जीवन की जो मूलभूत दुर्बलताएं हैं उन्हें दूर करने के लिए व्यक्तिगत इंटरेक्शन होगा। 1.5 घंटे का सत्र होगा, उसमें मैं उन लोगों को समय दूंगा जो अपनी व्यक्तिगत दुर्बलताओं को भावना योग से कैसे दूर कर सके, उसके टिप्स उसमें मिलेंगे। और शाम को शंका समाधान और रात्रि में भी आपके लिए कुछ कार्यक्रम होंगे। तो एक कार्यक्रम का एक स्वरूप यहाँ पर बना है। अभी लोग चाह रहे थे पहले भी, लेकिन चुनावी दौर के कारण उस कार्यक्रम को अभी रोका गया। और 31, 1 और 2 ये त्रिदिवसीय आयोजन है, ये पहली शुरुआत है। जो भी इसमें सहभागिता लेना चाहते हैं आज से ही अविलंब अपने नाम देना शुरू कर दे। अपने नामों को जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की, उसके अंतर्गत
आरक्षित करा ले, लाभ ले, आपके जीवन के रूपांतरण का एक बहुत बड़ा आधार होगा। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा हर माह में ये भावना योग एक दो दिन के लिए लगते रहे, ताकि लोग इस योग का प्रयोग करके अपने जीवन में अपेक्षित बदलाव ला सके और जीवन में परिवर्तन कर सके। वस्तुतः भावना योग का चमत्कार अद्भुत है। वे हर वो व्यक्ति इसे जानता है, महसूस करता है, जो विगत कई दिनों से इसका नियमित अभ्यास कर रहा है। आप भी इसका लाभ लीजिए और अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन का सौभाग्य घटित कीजिए। इस भाव के साथ मैं आज यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मेरे साथ आप सब मंगल भावना भाएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्जवल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्जवल हो। राग देश औ मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश अरु मोह मिट जावे आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की
बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। हर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो। धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव। है प्रेमान की भावना सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।